आज़ाद को राजेंद्र दुबे जो फाउंडर थे बॉम्बे टॉकीज के, उनकी मुलाकात 1930 के दरमियान नवंबर दिसंबर के दरमियान झांसी में आज़ाद से हुई थी। तो आज़ाद के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, तो बॉम्बे टॉकीज का बंद होना जिस तरह को तकलीफ था उससे आज़ाद को असमय काल के गाल में समा गए, ये दुख कहीं ना कहीं हमेशा उनके मन में रहा। वो चाहते थे कि जो पॉलिटिकल लोग जो नरम दल के नेता हैं उनका व्यक्तित्व इतना प्रसार प्रसार हुआ, उतने गरम दल के व्यक्तित्व का प्रसार प्रसार नहीं हुआ, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। तो उनकी इच्छा थी कि आज़ाद को लेके हम लोग आते हैं तो आने वाले कल के लिए जो पुरुषार्थ विहीन हिंदुस्तान हो रहा है, भारतवर्ष हो रहा है, तो आज़ाद का पुरुषार्थ हिंदुस्तान के पुनर्निर्माण में योगदान में होगा उनका, ये उनकी इच्छा थी।